वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड सरकार व भाजपा को परेशानी में डाल दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि अंकिता की मौत दम घुटने व डूबने के कारण हुई है। उसके शरीर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। अंकिता व उसके एक दोस्त के जो व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहे हैं, उनसे साफ हो गया है कि अंकिता पर बराबर स्पेशल गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने कहा था कि यहाँ होटल में बहुत कुछ गलत हो रहा है। वह यहाँ खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही है, वह यहाँ नहीं रहेगी। इस बीच पूर्व में वहाँ जॉब कर चुके विवेक व ऋषिता आज मेरठ में मीडिया के सामने तो आए लेकिन पर्दे में रहे। उन्होंने साफ कहा कि रिजॉर्ट में गैर कानूनी गतिविधियां संचालित हो रही थी। इतना ही नहीं, बाहर से आने वाली युवतियों की रजिस्टर में एंट्री तक नहीं होती थी। देखिए क्या कहा दोनों ने। क्या नाम है आपका? सर विवेक। विवेक बताएं क्या हुआ, पूरा मसला क्या हुआ? सर पूरा मसला ये हुआ था, स्टार्टिंग में जब हम वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे, हम काफी ज्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे, और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से एक महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी, और एक महीने बाद जॉब छोड़ने के बाद में जो है हमने जब वहाँ से जॉब छोड़ दी तो हमारे पास फिर काफ़ी ज़्यादा कॉल आई, पुलकित आर्य की भी, अंकित की भी, और सौरभ भास्कर जी की भी। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आई और वो कॉल एक हफ्ते तक आई। एक हफ्ते तक हम जो है उनके वहाँ वापस नहीं गए थे जॉब करने के लिए। तो एक हफ्ते तक कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये जब जो सब चीज़ें हैं जो गलत हुआ है ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज के बाद आप आइए यहाँ पे वर्क काम कीजिए और जो आपकी सैलरी है हम उसको भी बढ़ा देते हैं और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी अब। तो हम जो है एक हफ्ते बाद वहाँ पे हम दोबारा वापसी गए, और वापसी जाने के बाद कुछ दिन उनका व्यवहार वहाँ पर ठीक रहा, और कुछ दिन के बाद में जब हमारा मतलब डेढ़ महीना कंप्लीट हो गया तो हमने उनको सैलरी के लिए बोला कि सर हमें सैलरी दे दीजिए, और वहाँ से हम जॉब छोड़ना भी चाहते थे क्योंकि जो उन्होंने हमसे बोला था कि यहाँ पे ये जो सब चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ये सब चीज़ें अब नहीं, मतलब कि जैसे कि नशीले पदार्थ बिकना है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना, तो वो काम था पुलकित आर्य का। तो हम जो है इन सब चीज़ों से हटना चाहते थे, तो हमने जब उनको बोला डेढ़ महीने बाद कि हमें सैलरी दे दीजिए, जो भी हमारी सैलरी बनती है अब तक की वो हमें सैलरी हमारी प्रोवाइड कराइए और हम जो है यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उन्होंने उसके बाद में जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमसे कई बार पूछा कि आपका पक्का डिसीजन है, पक्का डिसीजन है? हमने कहा हाँ जी हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद ही हमारी सैलरी नहीं दी हमें, और उसमें हमारे ऊपर एक स्पीकर चोरी करने का जो है आरोप उन्होंने लगा दिया, और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि मतलब हमारे साथ, फिर मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की काफ़ी ज़्यादा। पर फिर उसके बाद में मैंने रिजॉर्ट से बाहर गया और बाहर जाके मैंने पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस को हमने जितनी भी जगह मतलब हरिद्वार थाने भी कॉल किया हमने और फिर ऋषिकेश थाने भी कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि वो पटवारी क्षेत्र है, वो एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है, तो आप पटवारी जी से बात कर लीजिए, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। तो हमने पटवारी जी से बात करी, और पटवारी का हमें पहले ही पता था, तो हम उसे बात करने में डर भी रहते, पर हमने कहा क्या पता कि अगर वो अच्छा इंसान होगा तो शायद हमारे साथ वो न्याय करेगा, तो हमने उसको कॉल मिला दी और हमने उसको बुला लिया। पर क्या है, उनकी पहले ही जो है दोस्ती थी और वो दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पक्की थी, तो वो अपना आए वहाँ पर, हम ऊपर चाय पीने गए हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया कि ऐसा है आप नीचे आ जाओ, मैं जो है रिजॉर्ट में पहुँच चुका हूँ। तो हम वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँचने के बाद में जो है उन्होंने ही हमें गालियाँ वगैरह देनी स्टार्ट कर दी कि आप यहाँ से इतनी दूर से ऐसा काम करने आए हो, ये है वो है। तो हमने बोला कि सर अगर आप ये बताइए कि मेरी जो सैलरी है वो इनके पास 25-30 हज़ार रुपये की मेरी जो सैलरी बनती है वो इनके पास पेंडिंग है, और ये मेरे ऊपर एक जो है 1500-2000 रुपये के स्पीकर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो उन्होंने बोला कि सब ऐसे ही बोलते हैं करने के बाद में, और जो है उन्होंने पुलकित आर्य जी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि इनका करना क्या है, कि फिर उन्होंने दो तीन उन्हें ऑप्शन भी दिए कि इनको ऐसा करते हैं कि वहाँ पे वो जो जेल है मेरे पास में कि उनको इनको वहाँ पे ले चल के मारते पीटते हैं इनको। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने हमसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई, माफ़ीनामा, जो कि
किसी मतलब का नहीं था, वो फालतू में उन्होंने लिखवाया था झूठा माफीनामा हमसे। और जो है कि उन्होंने हमारे साथ मतलब मारपीट तो की थी और हमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर भी किया था। कब की घटना, कब गए थे आप, कब से ज्वाइन किया था आपने? सर लगभग मेरे को जो है ये 6 महीने करीब पहले मैंने जो है वहाँ पर ज्वाइन किया था। और ये कब की घटना है जब आप आए? ये सर ये घटना जो है ये जिस दिन मैं छोड़ के आया हूँ उससे 2 दिन पहले की घटना है। कब छोड़ के? मैं सर डेट मेरे को याद नहीं है सर, अभी हाल फिलहाल में। हाँ सर मतलब 2.5-3 महीने पहले ही हम छोड़ के आए। दोनों साथ में गए थे? हाँ जी हाँ जी। किस तरीके के होते थे वहाँ पर आप दोनों साथ में गए थे? अपनी वाइफ को लाने के लिए सर मैं मजबूर इसलिए हुए कि मतलब उन्होंने जो है ये काम करने के बाद में उन्होंने एक तरीके से हमें बंदी बना लिया था। उन्होंने कहा कि अगर आप तुम यहाँ से कहीं जाने की कोशिश करते हो तो हम जो है ये जो आपने जो एप्लीकेशन लिखी है ये हम पुलिस को दे देंगे और आपके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कराएंगे, वरना आप जब तक हम आपको बोलते हैं आप यहाँ पे काम कीजिए। आप दोनों साथ गए थे? हाँ जी। दोनों क्या क्या काम करते थे, किस जॉब पे थे? सर ये वहाँ पे जो है फ्रंट का काम देखती थी, मतलब ऑफिस का काम देखती थी, एंट्री वगैरह करना, और मैं जो है वहाँ पे रूम चेकिंग वगैरह या फिर हाउसकीपिंग वर्क जो होता था वो मैं देखता था। जो लड़की एक्सपायर हुई है, हाँ वो आपके साथ थी, आपने देखा? नहीं सर, वो हमारे साथ नहीं थी। जब हम वहाँ से आ गए हैं उसके बाद में एक लड़की और आई है, और फिर उसके बाद में अब जो है अंकिता आई थी वहाँ पर। ठीक है, क्या नाम है आपका? ऋषिता। ऋषिता आप कब वहाँ गई थी, क्या होता था रिजॉर्ट में और किस पद पे थी आप, क्या क्या आप बताइए? मैं मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी। और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी, बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति। स्वाति मैम तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो? मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी मैम कहती, उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है, फुल के तारिया से जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं, वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रहे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट है उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसॉर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, कैसे वहाँ पहुँची, पूरी बात बताइए। रिसॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी, वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिसॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियां आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था, गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है फुल्की तारिया ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। क्या कभी आपने इस चीज़ की कंप्लेन भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी। आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी, क्योंकि पुल के तारिया ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो, रिश्ता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं रिश्ता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जिस स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे। फिर क्या क्या कैसे छोड़ा वहाँ से आपने, क्या फिर क्या रहा? 1 महीने पहले हमने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे, तो अंकित की, पुलकित की, सौरभ भास्कर की और स्वाति की, तीनों की, चारों की हमारे पास कॉल आती है, मेरे पास ही कॉल आती है कि क्या बोलते हैं तुम लोग वापसी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, नशा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। फिर हम चले जाते हैं तो 3-4 दिन हमारे साथ व्यवहार सही होता है,
फिर वो हमें टॉर्चर करने लग जाता है, फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है वो, मतलब लड़कियों के साथ उसका गंदा व्यवहार ही था। मतलब जो लड़कियों को लेकर के आता था उनसे क्या बात करके काम पे रखता था, क्या कहता था? ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो लड़कियाँ आती थी पहले बात तो मुझे एंट्री के लिए मना कर देता था। और मैंने ज्वाइन किया था मई जून में। आपने कैसे ज्वाइन किया था, वहाँ तक कैसे पहुँची आप? हमने ओएलएक्स पे जॉब ढूंढी थी और ओएलएक्स के थ्रू हम वनंतरा रिजॉर्ट में गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।